चलिए अब आपको बताते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों ने अब तक क्या कुछ बताया है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, हत्याकांड से पहले उन्होंने क्या कुछ किया था, ये सब पूरी जानकारी सामने आ रही है। शूटर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। 14 अप्रैल को वो लोग बस से प्रयागराज पहुंचे थे। 14 अप्रैल को ही अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर एक होटल में रुके। 15 अप्रैल को उन्होंने कॉल्विन अस्पताल की रेकी की और 15 अप्रैल को ही उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या को भी अंजाम दिया। तीनों शूटर जो पूरी प्लानिंग के साथ रेकी करके आए थे, माफिया ब्रदर्स शूटआउट को लेकर आज एसआईटी की टीम और एफएसएल की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची। वहां पर उन्होंने मुआयना किया है, रिक्रिएशन किया गया और रिक्रिएशन के साथ साथ तमाम अन्य पहलुओं की भी जांच की गई है कि 15 अप्रैल को आखिरकार उस स्पॉट पर हुआ क्या था। जहां हुआ शूटआउट वहां पहुंची एसआईटी, जहां मारे गए माफिया वहां रिक्रिएशन, क्राइम स्पॉट पर न्यायिक जांच आयोग। 15 अप्रैल की रात जिस हॉस्पिटल के बाहर अतीक और अशरफ के सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए थे, जहां तीन शूटर्स लवलेश, अरुण और सनी ने मिलकर माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतार दिया था, वहां पर एसआईटी की टीम ने पहुंचकर छानबीन शुरू की। एसआईटी के साथ ही एफएसएल के डायरेक्टर और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। न्यायिक जांच आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी अपनी जांच के लिए मौके पर पहुंची थी। एक तरफ अशरफ और एक तरफ अतीक, इन दोनों को, दोनों के सिर पे हालांकि पगड़ी थी और उसी तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है और पुलिस के जवान जिस तरीके से उसको नीचे उतार रहे थे, क्योंकि अतीक को उतरने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा वक्त लगा। और देखिए ठीक इसी तरीके से देखिये यहाँ पर जो है दोनों को लाया जा रहा है, दोनों के हाथ में हथकड़ियां थी और इसी तरह से दोनों के हाथ में इस वक्त गमछा बांधा गया है, दोनों के हाथ पूरी तरीके से बांधे हुए नजर आ रहे हैं। और सीन रिक्रिएट करने से पहले किस तरीके से मीडिया के लोगों का जमावड़ा था वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए कैसे उनको पुलिस अंदर लेकर आ रही है, ये पूरा सीन दोहराया जा रहा है। वो घायल सिपाही आपको वहां दिखाई देगा जो अशरफ और अतीक के साथ था, और अशरफ और अतीक जैसे ही वहां पर आए, देखिए अब क्या होने वाला है, अब वही होगा जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा था कि अशरफ और अतीक को, देखिए माइक लगाया गया है, जिस तरीके से मीडिया ने सवाल करना शुरू किया था उस तरीके से अतीक के मुख पर माइक लगाई गई है, यानी अतीक जो है वो जैसे बोलना शुरू किया और उसके बाद जो है सीन को फिर से एक बार दोहराया जा रहा है। देखे एकदम घटना स्थल पर मौजूद दोनों शख्स, एक अतीक और दूसरा अशरफ, दोनों किस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हैं, ठीक उसी तरीके से इन दोनों को मुखातिब कराया जा रहा है। और जैसे कैमरा और माइक ऑन थी, ठीक उसी तरीके से कैमरा और माइक को ऑन कर दिया गया है, यानी तीन लोग जिस तरीके से मीडिया के वेश में यहाँ पर आए हुए थे, इन सभी को ठीक उसी अंदाज में यहाँ पर खड़ा कराया गया है। और पुलिस के लोग जिस कंडीशन में वहाँ पर मौजूद थे, ठीक उसी कंडीशन में यहाँ पर एक बार फिर से मौजूद किए। देखे ये यह गोली लग गई और इस तरीके से अतीक और अशरफ ने की गोली लगने के बाद जिस कंडीशन में, आप देखे ऐसे गोली लगने के बाद ये हाथ उठाकर यहाँ पर इस तरीके से लोग भागते हुए नजर आए। और सीन रिक्रिएशन में देखे यहाँ पर तीनों लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तीनों लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो पुलिस का जवान है वो यहाँ पर सीन रिक्रिएट कैसे किया जा रहा है। देखिए एक बार फिर से अतीक और अहमद जिस कंडीशन में वहां पर गिरे थे, खून का जिस तरीके से कतरा वहां पर गिरा था वो वहां पर नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो कैसे उस वक्त डर के भागे, देखिए तीनों लोग यहाँ पर गोली चलाते हुए ठीक इसी कंडीशन में तीनों लोग गोली चला रहे हैं। और देखिए कैसे गोली चली थी वो पूरा सीन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस के कर्मी कैसे शूटर्स को पकड़ के ले जा रहे थे वो सीन हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस तरह से शूटर ने गोली चलाई और यहाँ पर गोली चलने के बाद अतीक और अशरफ दोनों ढेर हो गए और उसके बाद पुलिस कर्मी उनको खींच कर ले जा रहे थे। और ठीक इसी तरीके से तीनों अपराधियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़कर अपने गिरफ्त में ले लिया था। इस टीम में जांच आयोग को लीड कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी, पूर्व जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी,
और यूपी पुलिस के पूर्व डीजी सुवेश कुमार सिंह शामिल थे। इस दौरान प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल काफी हलचल भरा रहा। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। सबसे पहले न्यायिक आयोग की टीम ने एफआईआर की कॉपी को खंगाला, फिर क्राइम स्पॉट का पूरा मुआयना किया। घायल पुलिसकर्मी ने बताया वाकया। न्यायिक आयोग की टीम ने उस पुलिसकर्मी से पूछताछ की जो शूटआउट के दौरान तीनों शूटर्स की फायरिंग में जख्मी हो गया था। न्यायिक टीम ने घायल पुलिसकर्मी से शूटआउट के पूरे वाकये को सुना और सवाल भी किया। इस दौरान एसआईटी टीम भी क्राइम स्पॉट का मुआयना करती रही। एसआईटी टीम के सदस्यों ने क्राइम स्पॉट के एक एक एंगल का नाप जोख किया। इस दौरान जहां अतीक अशरफ को गोली मारी गई वहां की दूरी मापी गई। जहां पर जीप खड़ी थी वहां भी इंच टेप के जरिए दूरी निकाली गई। जहां शूटर्स खड़े थे वहां की दूरी भी रिपोर्ट में दाखिल की गई। जिस जीप से उतरकर अतीक और अशरफ पैदल क्राइम स्पॉट तक पहुंचे थे उसे भी एसआईटी टीम ने दर्ज किया। कागज पर शूटआउट का मैप। शूटआउट के दौरान पूरे वाकये को एक कागज पर उकेरा गया। नक्शे के जरिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जिसका न्यायिक जांच टीम ने पूरी बारीकी से अध्ययन किया। इसमें अतीक अशरफ की मौजूदगी से लेकर शूटर्स की पोजीशन को भी दिखाया गया था। न्यायिक जांच आयोग की टीम पूरे 46 मिनट तक क्राइम स्पॉट पर रुकी रही। जांच आयोग की टीम दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और यही रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाएगी। दूसरी तरफ एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपेगी जिसके बाद वो रिपोर्ट सीएम योगी को दी जाएगी और फिर उसे कोर्ट प्रक्रिया का हिस्सा भी बनाया जाएगा। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया। जी